इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्रीकोर्स चैनल। टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लमेटिक सोयल टाइप क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द प्रॉब्लमेटिक सोयल। Problematic soils are those type of soil whose productivity is decreased or lowered due to unfavorable conditions. And unfavorable conditions like water logging है, water stagnation है, salt accumulation है from deeper layer to upper layer. And other soil reaction like acidic type soil है, sodic type soil है and calcareous type soil. Okay, next is the red tropical soil, sandy soils and shallow soils pose problem of soil fertility and soil conservation. क्योंकि जो red tropic red soils होती हैं, sandy soils होती हैं और जो shallow soils भी इन्हीं को बोलते हैं, तो इन सभी टाइप की soils के अंदर fertility की productivity की क्या होती है, problem होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें एग्रीगेट फॉर्मेशन कैपेसिटी कम होती है इस टाइप की सोयल्स में, क्योंकि इस टाइप की सोयल में ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट फॉर्मेशन प्रोसेस कम होती है। और जैसे ही रेनफॉल आती है या फिर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे इसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है बाई विंड एंड बाई वोटर। सो इस टाइप की सोयल का जो कंजर्वेशन है वो क्या है, जरूरी है। जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम है वाटर से, जिन सोयल में प्रॉब्लम होती है वो है जैसे वर्टिसोल्स है। वर्टिसोल्स के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, परकोलेशन रेट है, वो क्या है, बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सोयल। क्योंकि जो वर्टिसोल्स होती हैं उनकी जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है एट द टाइम ऑफ सेचुरेशन वो क्या है, नियर बाई जीरो, बट एट द टाइम ऑफ अनसेचुरेटेड पॉइंट, अनसेचुरेटेड कंडीशन, उस टाइम पे इनकी थोड़ी बहुत हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर वर्टिसोल्स टाइप सोयल में वाटर की स्टैग्नेशन है तो उस सोयल के अंदर क्या होता है, जो सैलो वाटर टेबल बन जाता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चोआ, जिसको हम बोलते हैं चोआ, वो चोआ बन जाता है। और उस फील्ड के अंदर जैसे वाटर सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं, जैसे मिलेट्स हैं या सोरगम्स हैं, तो उनका कल्टीवेशन क्या है, डिफिकल्ट हो जाता है, कॉटन वाटर स्टैग्नेशन को टॉलरेट नहीं कर सकती। एंड दूसरी टाइप सोयल है पिट सोयल। जो पिट सोयल भी मडी टाइप सोयल होती हैं। फिर है एसिड सल्फेट सोयल, एसिडिक सोयल, सैलाइन सोयल एंड सोडिक टाइप सोयल। आज हम केवल दो ही टाइप की सोयल को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है वर्टिसोल, सेकंड है पिट सोयल। वर्टिसोल क्या है, पुअरली ड्रेन्ड फाइन टेक्सचर्ड सोयल है। फाइन टेक्सचर मतलब ये जो वर्टिसोल है इसकी जो पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और पुअरली ड्रेन्ड भी इसलिए बोला है क्योंकि गैसेस एक्सचेंज है वो इनमें क्या है, पुअर है। जैसे ही इनमें वाटर की स्टैग्नेशन होती है तो इनमें वाटर क्या है, डीप परकोलेट नहीं होता, उसमें ड्रेनेज क्या है, डिफिकल्टी से हम ड्रेन उसको कर पाते हैं। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, सब ड्रेनेज करनी पड़ती है। फिर क्या है, इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ज़्यादा अमाउंट में मतलब इस टाइप की सोयल के अंदर मोंटमोरिलोनाइट प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल एग्रीगेट्स, ठीक है। और जिस सोयल में वाटर रेजिस्टेंट सोयल एग्रीगेट्स ज़्यादा होंगे
सॉरी, उसी सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बट ड्यू टू वाटर स्टेग्नेशन एंड ड्यू टू चोआ, जिसको हम बोलते हैं चोआ, चोआ की वजह से क्या होगा, जितनी भी उसके न्यूट्रेंट होते हैं और उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, जो उसके केमिकल वो होती है, रिएक्शंस होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। और इसमें क्या है, मेनली नाइट्रोजन क्या है, टू लो एंड ओपन फॉस्फेट इज टू। और ये जो वर्टिसोल टाइप की जो सोयल है उनका जो पीएच होता है वो अबो 7 होता है। इसमें क्या है कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ सोडियम फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्ड सरफेस क्रस्ट। अगर क्या है कि जितना भी सोडियम प्रेजेंट है सोयल सॉल्यूशन में, अगर वो लीज डाउन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जो क्ले टाइप सोयल है, वर्टिसोल सोयल है, इन सब में क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। जैसे क्ले टाइप सोयल में अगर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो आपने देखा होगा उसमें से पपड़ी बन रही है, ठीक है। जैसे हम बाजरा की सोइंग करते हैं या फिर कॉटन की सोइंग करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश आती है, तो उस अगर ज्यादा बारिश आ गई तो ठीक है, वो वाटर नीचे इन्फिल्ट्रेट हो जाता है और हार्ड लेयर नहीं बनती, क्रस्ट नहीं बनता। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी में बारिश होती है तो उस टाइम पे क्ले टाइप सोयल में क्या बनता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। लेकिन सोडियम की वजह से क्या है कि हार्ड कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है और जब हम उसमें टिलेज करते हैं तो क्लोड्स फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक इन सेमी एरिड एरिया फ्री कार्बोनेट्स एंड जिप्सम अकुमुलेशन आर कॉमन। जैसे क्या है कि जहाँ पे एरिड एरिया है या फिर सेमी एरिड एरिया है, उस एरिया के अंदर साल्ट ज्यादा अकुमुलेट होता है, लेकिन सेमी एरिड एरिया के अंदर फ्री कार्बोनेट्स एंड जिप्सम का क्या होता है, अकुमुलेशन होता है, वो वहां पे स्टोर हो जाता है। अब क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू वर्टिकल सोयल। इसमें क्या है, जब भी हम मैकेनिकल टिलेज करते हैं, मतलब कि कोई भी इम्प्लीमेंट लेके, जैसे हम क्या लेते हैं, मेनली प्लो लेते हैं, तो उसे जब भी हम टिलेज करते हैं तो, और वो भी किस टाइम पे, जब वेट सीजन होता है, तो सीरियस कॉम्पैक्शन हो जाता है उसके अंदर। ओके, ये क्या बना देती है, एक हार्ड लेयर बना देती है। और इस टाइप की सोयल में जितने भी हम मैकेनिकल इम्प्लीमेंट यूज करते हैं वो सारे के सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक हार्ड कॉम्पैक्शन के लिए। और जितना ज्यादा कॉम्पैक्शन होगा उतना ही रूट किसके लिए फाइट करेगी, उसके पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि डेप्थ जो शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं या फिर जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं वो क्या है, पेनिट्रेट करने में उनको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, डेप्थ में जाने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। और दूसरी बात, जो गैसेस एक्सचेंज है ऑक्सीजन का CO2 का है, वो गैसेज एक्सचेंज भी स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड ऑप्टिमम गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ऑप्टिमम उसमें ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो वहां पे जो हमने स्ट्रा डाला है या फिर प्लांट रेजिड्यू है तो उसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम किस में है, वर्टिसोल्स के अंदर, ठीक है। अगर कॉम्पैक्शन ब्रेक नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आती है, इनफिल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर इनफिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा क्या होगा, रन ऑफ होगा। इसलिए जो क्ले टाइप सोयल होती हैं उनमें वाटर के थ्रू रन ऑफ सैंडी टाइप सोयल से ज्यादा होता है।
वो यही कारण है कि जो सैंडी टाइप सोयल है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है और क्ले टाइप सोयल के अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट कम है, इसलिए क्ले टाइप सोयल में रन ऑफ बाय द वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्ले पार्टिकल क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं और वो क्या होते हैं, लाइट भी होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द सोयल इज वेट, जब सोयल वेट होती है, जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, वो सेचुरेशन पॉइंट पे होती है, तो क्ले क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है एंड क्लोजिंग द क्रैक्स, जितने भी उसमें क्रैक्स हैं या फिर पोर स्पेस है वो सारा वो क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, जैसे मैक्रोपोर्स होते हैं। वैसे तो जो क्ले टाइप सोयल होती है उसमें नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं इन कंपैरिजन टू सैंडी टाइप सोयल। ये भी जेआरएफ में क्वेश्चन आता है कि जो सैंडी टाइप सोयल है उसमें मैक्रोपोर ज़्यादा होते हैं या फिर क्ले टाइप सोयल में, तो मैक्रोपोर किस में नंबर नंबरिंग ज़्यादा होती है, वो होती है सैंडी टाइप सोयल के, और उससे सोयल क्या हो जाती है, बिकम इम्परमिएबल, क्योंकि जितना भी स्पेस होता है, जैसे ही हमने वाटर के वहाँ पे वाटर की स्टैग्नेशन हो जाती है ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी वाटर ससेप्टेबल एग्रीगेट्स थे वो ब्रेक हो जाते हैं और सोयल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और जैसे ही सोयल स्वेल होगी जो पोर स्पेस होता है वो पार्टिकल क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन क्रिएट हो जाता है और जिससे वो इन्फिल्ट्रेशन रेट परकोलेशन रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये जैसे हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि वर्टिसोल के अंदर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम होती है जब वो किस पे होती है, सैचुरेटेड कंडीशन में होती है और एट फील्ड कैपेसिटी पे होती है। इफ क्या है कि फ्लडिंग कैन बी मेजर प्रॉब्लम इन एरियाज विद हायर रेनफॉल बिकॉज स्टैग्नेंट वाटर कैन हैम्पर टिलेज ऑपरेशंस। देखो जहाँ पे भी हायर रेनफॉल होती है, अगर जिस टाइप की सोयल है वहाँ पे उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा है रेनफॉल, तो वहां पे क्या हो जाती है, वाटर की स्टेग्नेशन हो जाती है, जहां पे मतलब अनइवन टोपोग्राफी होती है और जहां और वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, रन ऑफ की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और क्या है कि इसमें लो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू वाटर इरोजन, मतलब सोयल का क्या हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सोयल इन्फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे रेनफॉल की इंटेंसिटी है 2 mm per hour, लेकिन जो सोयल है उसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट कैपेसिटी है 1 mm per hour, तो 1 mm बचा है, 2 mm, 1 mm तो क्या कर जाएगा, इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, लेकिन जो 1 mm बचा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। अब क्या है कि द लो सब सोयल पोरोसिटी इन वेट सीजन डिस्करेज रूट डेवलपमेंट। देखो जो जितनी भी क्ले टाइप सोयल है या वर्टिसोल्स हैं वहाँ पे वाटर की स्टैग्नेशन होती है, तो उसकी पोरोसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जैसे ही पोरोसिटी रिड्यूस होगी तो वो करेगी पोर स्पेस की क्लोगिंग, पोर स्पेस क्लोगिंग से होगा सोयल कॉम्पैक्शन एंड सोयल कॉम्पैक्शन इनहिबिट करेगी रूट का डेवलपमेंट, और जैसे ही रूट का डेवलपमेंट कम होगा तो प्लांट के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस भी होगा, प्लांट जो डीपर लेयर से न्यूट्रिएंट ले सकता था वो भी नहीं ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लांट की जो रूट होती है, रूट हेयर्स होते हैं, वो डिफरेंट लेयर से क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट का अपटेक करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पिट टाइप सोयल्स।
पीट टाइप सोयल्स में क्या है कि जैसे फॉरेस्ट एरिया है, या हम क्या करते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर देते हैं, स्ट्रा अप्लीकेशन कर देते हैं, तो उनके अंदर अनडिकम्पोज्ड प्लांट स्ट्रा प्रेजेंट होता है। और वो जो अनडिकम्पोज्ड प्लांट स्ट्रा होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए सभी के फंक्शन, जो सभी फैक्टर हैं वो जरूरी हैं। और उन सब फैक्टर में क्या आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमम ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए, 60-70% फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रा। लेकिन जो पीट टाइप सोयल है वो क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पीट टाइप सोयल के अंदर पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है मेटेरियल का, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, वाटर की प्रेजेंस होती है ग्रेटर देन 70%, नियर बाई सेचुरेटेड कंडीशन होती है उसके अंदर। तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, अगर हम सेचुरेशन कंडीशन क्रिएट करते हैं किसी फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, एनएरोबिक या एरोबिक। तो कौन सी कंडीशन होगी, उसमें होगी एनारोबिक, क्योंकि जितने भी पोर स्पेस थे जो ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर रखे थे, वो सब किसने ऑक्यूपाई कर लिए, CO2 ने और वाटर ने। ठीक है, तो इसकी वजह से जितना भी प्लांट का रेजिड्यू था वहां पे, उसका क्या होगा, पार्शियल डीकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं हुए, क्योंकि न्यूट्रिएंट तभी रिलीज होंगे जब उसका क्या होगा, वो फुली डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये मेनली किस एरिया में पाई जाती है, जो पीट लैंड्स होती है मेनली वहां पे पाई जाती है। और यहाँ पे इसकी जो पीट टाइप सोयल है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, मीन्स इसका पीएच बिलो 7 होता है। जैसे वर्टिसोल्स में था, उसका पीएच कितना होता है, अब वो 7। तो पीट टाइप सोयल के अंदर कंडीशन क्या हुई, एसिडिक हुई, तो उसके अंदर हम कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जो एसिडोफाइट्स होते हैं, जो एसिडिक कंडीशन लविंग प्लांट्स होते हैं, हम उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेरीज एंड कैमलियस, इट इज फाउंड इन टेम्परेट्स एंड ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि इस एरिया के अंदर क्या होती है, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी होती है। और इसके अंदर जितने भी बेस फॉर्मिंग कैटाइन्स होते हैं, एक्सचेंजेबल कैटाइन होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, लीज डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एसिडिक। इसमें बताया है कि पीट सोयल कैन स्टोर न्यूट्रिएंट, क्योंकि उसमें क्या है, पार्सली अनडिकम्पोज्ड मेटेरियल प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट फर्टाइल इट्सेल्फ, हाई आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइज्ड लिग्निन, सो इट इज कॉल्ड द पॉली इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, वैसे तो क्या है, पीट सोयल क्या है, उसमें अच्छा एग्रो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो इसकी जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बेस्ट होनी चाहिए। बट ड्यू टू सेचुरेटेड कंडीशन ऑफ द सोयल, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट है नीचे, वो सब चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से जो उसका वहाँ पे स्ट्रा प्रेजेंट है, अनडिकम्पोज स्ट्रा प्रेजेंट है, उस सब की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या है कि जैसे इट एक्ट एज ए कार्बन स्टोर, ठीक है, और ग्रेट हैबिटेट फॉर दी वाइल्ड लाइफ। देखो ये इसका वो जो ऊपर वाला है कि इसकी जो फर्टिलिटी है अपने आप में कम होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइज्ड लिग्निन होता है। ठीक
ठीक है, ये उसकी एक ड्रॉबैक है, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि जो पीट टाइप सोयल है या फिर वर्टिकल टाइप सोयल है, उनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उस सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो पीट टाइप जो सोयल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 20 times है इट्स ओन वेट इन वाटर, ठीक है। और ये कार्बन का क्या एक स्टोर हाउस है, अगर हम इसमें बेटर ड्रेनेज कर देते हैं तो इससे बेस्ट कोई और सोयल नहीं है। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।